दोस्तों, सिलाई मशीन रिपेयर के इस सेल्फ रिपेयर चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था ऊपर नीचे का सिलाई ख़राब आ रहा है। आज का हमारा सब्जेक्ट है ऊपर का सिलाई ख़राब आने के बाद हम लोग क्या करेंगे। तो पहले देखेंगे सिलाई कैसी है। देखो दोस्तों, ये जो दिख रहा है ना आपको, नीले कलर में ऐसे दाने दाने जैसे दिख रहा है, देखो ये ऊपर का सिलाई है और ये ऐसे दाने दाने है, इसका मतलब है ये सिलाई ख़राब है। ये सिलाई ज़्यादा देर चलेगी नहीं। अगर हमने कोई भी कपड़ा सी लिया इससे तो इसका धागा निकल जाएगा। देखो इस तरह ये तुरंत निकलने वाला धागा है। और ऐसे सिलाई अगर हम करेंगे तो हमारा कपड़ा जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसके लिए ये प्रॉब्लम को क्या करना है ये हम लोग आपको दिखाने हैं। अभी देखो, एक बात इसमें आपको पहले ही मैं बोल देता हूँ कि जब ऊपर का सिलाई ख़राब है तो प्रॉब्लम नीचे है, ऐसा आप 70% फिक्स समझ लो। दूसरा बात है, अगर नीचे का सिलाई ख़राब है तो ऊपर प्रॉब्लम है, ये भी उतना ही सच है। अभी देखो, इसका पहला जो है, पहले जो हम लोग देखेंगे वो बॉबिन केस में देखेंगे, क्योंकि ये जो सिलाई आ रहा है वो बॉबिन केस में ज़्यादा प्रॉब्लम होने की शंका है। इसके लिए हम बॉबिन केस निकालेंगे। अभी देखो, ये बॉबिन केस से हम लोग धागा ऐसे खींचेंगे तो बहुत सारा लूज आ रहा है। तो लूज आने के बाद पहले हमारा काम है कि एक स्क्रू ड्राइवर लेके छोटा सा, जिसका नोक एकदम छोटा हो, और ये जो स्क्रू है ये इसने पट्टी को पकड़ के रखा है, इसको हम फुल टाइट कर देंगे या तो थोड़ा थोड़ा टाइट कर देंगे। देखो घूम रहा है, अभी ये तो टाइट हो गया। अभी हम लोग धागा दोबारा चेक करेंगे खींच के, बॉबिन केस से धागा हम लोग खींच रहे हैं। देखो, मगर ये भी लूज है, ये वेट तो संभाल रही है मगर ये धागा यहाँ लूज है, इसका मतलब है सिलाई ख़राब होने वाला है। इसका एक ही आंसर है हमारे पास, या तो ये स्क्रू को खोल के ये पट्टी के अंदर का कचरा रहेगा तो साफ करो। अगर दूसरा बात है कि इसमें अगर खांचा पड़ा हो जो ज़रूरत से ज़्यादा है तो बॉबिन केस चेंज करो। अभी हम पहला हमारे पास जो ऑप्शन है उसके बारे में सोचेंगे। पहले तो हमारा ऑप्शन है ये स्क्रू खोलना है। एक बात का ध्यान रहे कि ये स्क्रू बहुत छोटा है, इसके लिए हम लोग इसको कोई भी एक सफ़ेद कागज़ ले लेंगे तो हम लोग को ये साफ दिखेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बॉबिन खाली निकाल देंगे। अभी ये स्क्रू धीरे से खोलना है। अभी यहाँ देखते रहो, हमने स्क्रू टाइट किया फिर भी हमारा धागा बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पट्टी के नीचे कुछ तो प्रॉब्लम है। ये स्क्रू को बहुत धीरे से खोलो, क्योंकि स्क्रू अगर गिर गया तो दोबारा स्क्रू लेने के लिए प्रॉब्लम आता है और वो ठीक तरह से बैठता भी नहीं है। देखो, इसके अंदर कुछ कचरा है, ये कचरा हमें निकालना है। ये निकालने के बाद थोड़ा सा यहाँ साफ कर दो जो बॉबिन केस का हिस्सा है। अगर हमें और एक बात देखनी है कि यहाँ एक छोटा सा लाइन दिख रहा है आपको, वो ज़्यादा दिखेगा भी नहीं क्योंकि ये बॉबिन केस अच्छा है। अगर ये बॉबिन केस में प्रॉब्लम रहती तो यहाँ बड़ा सा खाँचा दिखता था, अगर खाँचा रहता तो हम लोग ये बॉबिन केस चेंज करते थे। मगर ऐसा बहुत कम से कम 4 या 5 साल के बाद होता है। अभी तो समझो ये तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सिर्फ कचरा था।
अभी ये जो पट्टी हमने देखा है निकाली, देखो ये पट्टी में ये ऐसा खांच है, ये देखो ये हम लोग को यहाँ बिठाना है, और ये जो होल दिख रहा है ये होल को मैच करना है, बस ये हो गया। देखो पकड़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो आराम से दिखेगा और बैठेगा। अभी देखो ये हमने यहाँ खांचा डाल दिया, अभी ये होल को मैच करना है। देखो ये होल मैच हो गया, अभी ये अंगूठी से प्रेस करके रखना है, क्योंकि ज़रा सी भी गलती हो गई तो ये स्क्रू ख़राब हो जाएगा। अभी देखो ये स्क्रू को भी हम लोग ऐसे ही डालेंगे और धीरे से इसको दोबारा वही स्क्रू ड्राइवर से टाइट करेंगे। ये देखो अब ये तो हम लोग ऐसे ही टाइट करेंगे जितना ये पट्टी ठीक तरह से बैठ जाएंगी। अभी इसमें बॉबिन डालना है, यहाँ बॉबिन का ही सब्जेक्ट है, इसके लिए मैं और एक बात बता देता हूँ। कभी कभी ये बॉबिन टेढ़ी रहती है, यहाँ कटीली रहती है, तो ऐसे इसमें ऊपर का सिलाई ख़राब होने का चांस रहता है। तो हमारा जो बॉबिन है ये भी अच्छा ही होना चाहिए। दूसरा बात है कि ये बॉबिन के ऊपर हमने जो धागा वाइंड किया है वो भी एकदम लूज रहेगा, तो भी ये ऊपर का सिलाई ख़राब करने का चांस है। मगर ये सब बराबर होने के बावजूद भी अगर सिलाई ख़राब आता है तो आप समझ लो आपके बॉबिन केस में ही प्रॉब्लम है। तो देखो हम लोग दोबारा इसमें डाल दिया है, और इसका देखो अभी ये प्रेशर देखना है हमें, तो ये भी अभी सही नहीं है, इसका मतलब अभी इसको हमें टाइट करना है। ये हो गया, अभी देखो ये धागा जो बॉबिन से निकला है वो बॉबिन केस का वेट संभाल रहे है, तो ये सही है जैसे कि हम लोग को सिलाई अच्छा आना चाहिए। अभी इसमें खींच के भी देखेंगे प्रेशर सही है या नहीं। अभी देखो हम लोग इसको खींच रहे हैं तो ठीक है, ये प्रेशर अच्छा सिलाई के लिए ठीक है। अभी ये बॉबिन केस हम मशीन के निचले हिस्से में जो शटल है उसमें डाल देंगे, देखो इधर, और ये बराबर सामने आने के बाद ऐसे आवाज़ आना चाहिए। वो होने के बाद हम लोग ये स्लाइडिंग पट्टी बंद कर देंगे और ये धागा नीचे वाला जो बॉबिन केस का धागा है वो निकालने के लिए इसे व्हील का एक राउंड करके धागा खींच लेंगे। ये देखो दो धागा आ गया, ये प्रेशर पुट के खांच से पीछे रखेंगे और हम लोग अभी इसका सिलाई देखेंगे। जो हम लोग का पहले वाला सिलाई है जो ख़राब है, इसके बाजू में ही ठीक हम लोग दूसरा सिलाई देखेंगे तो हमें फ़र्क मालूम हो जाएगा। और देखो दोस्तों कितना सिंपल प्रॉब्लम है, सॉल्व करने का तरीका भी सिंपल है, कोई टूल्स भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अभी देखो ये सिलाई में जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं सिलाई के बीच में, अभी ये हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया इसके सिलाई के दाने हैं। सेम ऐसा ही सिलाई नीचे भी आना चाहिए, जो अभी देखो देख सभी की जगह बराबर है, तो दोनों तरफ ये हम लोग ने दो कलर का धागा इसके लिए लिया है कि दोनों सिलाई हम लोग ठीक से देख सकेंगे। तो ये था आज का प्रॉब्लम, जो ऊपर का सिलाई ख़राब आ रहा था इसे हमने सॉल्व किया। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया और अगर आपके मन में भी कुछ डाउट है तो हमको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। दूसरा बात है कि आज का आपने जो वीडियो हमारा देखा इसके लिए धन्यवाद, और अगर ये वीडियो इसके बारे में और आगे की कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए।